टिप ऑफ डे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट इज डीएनए डीएनए क्या है तमाम जानदार बहुत छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं इन सेल्स में एक बहुत छोटी चीज डीएनए होती है इसकी शक्ल एक स्प्रिंग जैसी होती है इसमें जानदार के बारे में उसका फॉर्मूला या तरकीब या उसके बनने की रेसिपी होती है इसकी तरतीब से हॉर्स या घोड़ा बनता है इससे मुख्तलिफ तरतीब से ट्री बनता है या डॉग या डायनासोर बनता है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 3 के जनरल नॉलेज के चैप्टर नंबर 1 लाइफ ऑन अर्थ के टॉपिक एनिमल्स ऑफ द स्नोई रीजन्स यानी जो जानदार बर्फानी इलाकों के हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों आपको इस हवाले से एक एनिमेटेड वीडियो आते हैं बर्फानी इलाके के जानदार बर्फानी रीच जमीन के कुछ इलाके सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं इन इलाकों में सूरज कम निकलता है इन इलाकों में पाए जाने वाले पौधे और जानवर कुदरती तौर पर शदीद सर्दी में जिंदा रह सकते हैं मसलन बर्फानी रीच और भेड़िए के जिस्म पर मौजूद मोटी खाल और घने बाल इन्हें शदीद सर्दी से बचाते हैं इनके पाँव की बनावट उन्हें बर्फानी इलाकों में चलने में मदद देती है बर्फानी इलाकों में रहने वाले जानवरों में पेंगुइन भी शामिल है ये जानवर शदीद सर्दी में इकट्ठे रहते हैं और यूं अपने आप को गर्म रखते हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देख के पता चल गया होगा कि बर्फानी जानदार कैसे रहते हैं और किस तरह खुद को गर्म रखते हैं एक और इस तरह के एनिमेटेड वीडियो देखते हैं लेकिन पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी मुझे ये बताइए कि बर्फानी इलाके कौन कौन से हैं कोई से तीन इलाकों के नाम बताएं बर्फानी इलाके हैं सकरदू नारान कागान सवात ऑलराइट प्यारे बच्चों यूं तो बहुत से जानदार बर्फानी इलाकों में रहते हैं लेकिन रीच और पेंगुइन इनमें से हैं चलिए आपको एक और एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हाय एवरीवन आज मैं सर्द इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों का इंटरव्यू करने जा रहा हूं आइए शुरू करते हैं हाय तुम्हारा क्या नाम है हाय मेरा नाम रेंडियर है तुम कहाँ रहती हो मैं आर्कटिक में रहती हूँ जहाँ बहुत ठंड होती है अच्छा तो क्या तुम्हारे पास गर्म रहने के लिए कुछ है बिल्कुल मेरे पास फर है जो कि बहुत मुलायम और ठंड से महफूज रखती है इसलिए तुम बहुत तेज भाग सकती हो हाँ हम 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं हमारे बच्चे भी हमारी तरह तेज भाग सकते हैं ओह अच्छा अब मैं चलती हूँ बाय 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 हाय तुम्हारा क्या नाम है मेरा नाम पेंगुइन है तुम कहाँ रहती हो मैं साउथ हेमिस्फीयर में रहती हूँ खास तौर पर आर्कटिक में तुम वहाँ कैसे रह लेती हो मेरी मोटी पर है और मेरी जिल्द 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी है ये मुझे गर्म रखने में मदद करती है ओह इसका मतलब तुम्हें कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं तुम क्या खाती हो मैं क्रेल और छोटी मछलियाँ खाती हूँ मैं 3 पाव खा लेती हूँ हर रोज तुम कितना तेज तैर लेती हो मैं 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तैर लेती हूँ ओह हाँ हमारे पास एक और तरीका भी है गर्म रहने के लिए वाकई वो क्या हम इकट्ठे खड़े होते हैं एक दूसरे के करीब करीब खड़े होते हैं ताकि हम गर्म रह सकें शायद मैं ये करने की कोशिश करूँगा अलविदा अलविदा हाय तुम्हारा क्या नाम है मेरा नाम बर्फानी भालू है अंटार्कटिका का बादशाह तुम क्या खाते हो मैं ज्यादातर समुद्री बछड़ा खाता हूँ क्या तुम इंसानों पर हमला करते हो हम इंसानों पर हमला नहीं करते जब तक वो हमें तंग न करे तुम इतने अच्छे तैराक क्यों हो इसकी वजह ये है कि मेरे बड़े बड़े पंजे हैं ये पार्शली जालीदार हैं जो कि तैरने में मदद करते हैं मेरी मोटी खाल मुझे ठंडे पानी में तैरने और गर्म रखने में मदद करती है तुम समुद्री बछड़े का कौन सा हिस्सा खाते हो उसकी चमड़ी और उसकी चर्बी क्यों चर्बी मुझे पानी और ताकत दोनों देती है और उसकी खाल से विटामिंस हासिल होते हैं अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है अलविदा वो रेंडियर पेंगुइन और बर्फानी भालू हैं बच्चों मुझे इस बात का यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस तरह पेंगुइन पोलर बियर अपना टेम्परेचर सर्दी में मेंटेन रखते हैं ओके आइए फटाफट से हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं तो पहला सवाल ये है बर्फानी जानदार कौन से हैं रीच पेंगुइन
बर्फानी रीछ किधर रहता है? बर्फानी इलाकों में। किन इलाकों में सूरज कम निकलता है? जी हाँ, सूरज बर्फानी इलाकों में कम निकलता है। तीन बर्फानी जानदारों के नाम बताइए। बर्फानी रीछ, पेंगुइन, रेंडियर। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक और एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगी जिसको देख के आपको मजीद बर्फानी जानदारों के बारे में क्लियर हो जाएगा, तो देखें। ओके। पोलर बेयर। पोलर बेयर। Snow leopard. Snow leopard. Penguin. Penguin. Siberian tiger. Siberian tiger. Walrus. Walrus. Reindeer. Reindeer. Japanese macaque. Japanese macaque. Arctic wolf. Arctic wolf. Snowy owl. Snowy owl. Lynx. Lynx. Seal. Seal. Puffin. Puffin. Muskox. Muskox. Beluga whale.
Beluga whale. Moose. Moose. Orca. Canada Goose. Canada Goose. Wolverine. Wolverine. Arctic fox. Arctic fox. Arctic hare. Arctic hare. Dull sheep. Dull sheep. Deer falcon. Deer falcon. Grizzly bear. Grizzly bear. Bald eagle. Bald eagle. Otter. Otter. Arctic tern. Arctic tern. Snowshoe hare. Snowshoe hare. को देखकर आपको ये भी पता लग गया होगा कि बर्फानी जानदार और कौन कौन से हैं जो बर्फ पर रहते हैं। तो
तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर बर्फानी जानदारों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि एनिमेटेड वीडियोस और सवालात से आपको इन जानदारों के बारे में काफी अच्छा आइडिया हो गया होगा। इसके साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और घरों में रहिएगा। अल्लाह हाफिज।